ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री श्री गणेशाय नमः। कल्पना शक्ति का सृजनात्मक उपयोग हम अपने जीवन में किस प्रकार कर सकते हैं, आइए ये समझने का प्रयत्न करते हैं। कल्पना एक ऐसी शक्ति है जिसके बल पर व्यक्ति मनचाही सृष्टि का सृजन कर सकता है, मनचाही सफलता को हस्तगत कर सकता है। लेकिन प्राय हम इसकी शक्ति से अनभिज्ञ ही रहते हैं, वह इस नैसर्गिक क्षमता का सदुपयोग नहीं कर पाते। यदि हम कल्पना शक्ति के संदर्भ में आधारभूत जानकारियों से अवगत हो जाएं, वह इसका सदुपयोग करना प्रारंभ कर दें, तो हम जीवन को अधिक सुखी, सफल व आनंदमय बना सकते हैं। कल्पना मानसिक क्षमताओं में एक विशिष्ट शक्ति है, जिसके द्वारा हम कल्पित प्रतिमाओं का एक प्रकार से प्रयोग करते हैं। यह हमको अपने पिछले अनुभव के आधार पर नई वस्तु का निर्माण करने में सहायता करती है, जो पहले कभी नहीं थी। इस तरह कल्पना एक मानसिक प्रक्रिया है, जिसका आधार पूर्व अनुभव रहते हैं। इसके बिना कल्पना साकार रूप नहीं ले पाती। कल्पना के लिए एक धरातल या अस्तित्व की आवश्यकता होती है। पूर्व अनुभव धरातल के रूप में कल्पना को सहायता देता है। इस तरह कल्पना दूरस्थ या अभी अमूर्त वस्तुओं के संबंध का चिंतन है, जिसे हम अपने संकल्प एवं पुरुषार्थ के आधार पर साकार करते हैं। कल्पना के माध्यम से हम किसी अमूर्त विचार या वस्तु का विजुअलाइजेशन या मानसिक दर्शन कहते हैं। अपने मस्तिष्क में हम इनकी प्रतिमा को स्थापित करते हैं, फिर इसी दिशा में प्रयास आरंभ होते हैं। बुद्धि के माध्यम से कल्पनाओं की काटछाट होती है। इच्छा शक्ति के माध्यम से इसको मूर्त रूप देते हैं। भावनाएं इसमें ईंधन का काम करती हैं, तो वहीं अंतःप्रज्ञा इससे जुड़े त्वरित निर्णय लेने में सहायक बनती हैं। इस तरह कल्पना शक्ति व्यक्ति की योजना शक्ति है, जिसके माध्यम से हम अपने जीवन के भव्यतम रूप का सृजन करते हैं। अतः कल्पना अपनी सृष्टि को गढ़ने का श्रेष्ठ माध्यम है। व्यावहारिक भाषा में इसे स्वप्न देखना भी कहा जा सकता है, जो जीवन के किसी भी क्षेत्र के हो सकते हैं। जो स्वप्न देखेगा वही कल्पनाशीलता के सोपान पर चढ़े हुए श्रम साधना द्वारा लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है। लक्ष्य अनुरूप प्रयास करने की दिशा तय करना कल्पना शक्ति का ही कार्य है। कल्पनाशीलता से ही योजना का प्रारूप निर्मित करने में सहायता मिलती है। भावी दृष्टिकोण उसी में समाहित रहता है। व्यक्ति के मानस को झकझोर कर जीवन को उचित दिशा में प्रवृत्त करना कल्पनाशीलता द्वारा ही संभव होता है। इस तरह जीवन के सभी क्षेत्रों में लक्ष्य बनाने का कार्य के साथ पूर्ण मनोयोग और स्मृति से युक्त रहने का मार्ग कल्पना प्रशस्त करती है। कल्पना के साथ आप कहीं भी विचरण कर सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। यथार्थ के संसार की सीमा है, लेकिन कल्पना के जगत की नहीं। इसलिए कहा गया है कि जहां न पहुंचे रवि, वहां पहुंचे कवि। वास्तव में कल्पना के साथ हम उन लोकों में पहुंचते हैं जो कभी थे ही नहीं, जबकि बिना कल्पना के हम कहीं नहीं जा सकते। किसी ने सही कहा है कि आज जो साबित हो चुका है मूर्त है, वह कभी केवल कल्पना मात्र था। इस तरह कल्पना के माध्यम से हमें अपने भावी जीवन की झलक मिलती है। व्यक्ति कल्पना के आधार पर भावी जीवन की रणनीति तैयार करता है और उसको व्यवहार में लाता है। कल्पना के साथ बौद्धिक प्रखरता तीव्र होती है, ज्ञानार्जन में तीव्रता आती है। चिंतन एवं तर्क में कल्पना का बहुल्य
समस्या का हल करने में सहायक रहता है। कल्पना शक्ति का प्रयोग करके व्यक्ति अपनी रुचि में परिकार या सुधार करता है। इस आधार पर कल्पना से निराशा का निवारण होता है और वह दुख आदि से छुटकारा मिलता है तथा जीवन अधिक सुखी, उन्मत्त व सुंदर बनता है। लेकिन यदि भाव नकारात्मक है तो मन में अनेक तरह के संशय, आवेग और तनाव भी कल्पना द्वारा उत्पन्न होते हैं। अतः कल्पना जहां अपने सकारात्मक रूप में सृजन का आधार है तो वहीं नकारात्मक रूप में यह कुकल्पना का रूप लेकर जीवन को नरक तुल्य भी बना सकती है। जीवन में तमाम तरह के भय को अधिकांशतः कल्पित माना जाता है, जिसमें से एक तिहाई भी वास्तव में घटित नहीं होते। अतः नकारात्मक कल्पना पर नियंत्रण करना अत्यंत आवश्यक होता है। जीवन में कल्पना शक्ति के महत्व को देखते हुए इसके विकास का यथासंभव प्रयास चलते रहना चाहिए। कल्पना शक्ति को बढ़ाने के लिए अपनी उत्सुकता बनाए रखें, अपनी जिज्ञासा को मरने न दें तथा सदा कुछ नया करते रहें और अपनी रुचि को विस्तार दें। इसके साथ खूब अध्ययन करें, नई नई पुस्तकें कल्पना शक्ति की छिपी क्षमता को प्रज्वलित करने का काम करती है, नए विचारों का सृजन करती है तथा कल्पना को नई उड़ान भरने का आधार बनाती है। अध्ययन के साथ डायरी लिखकर अपने विचारों को व्यक्त करें, नित नई कार्य योजना बनाएं, इनको मूर्त करने के लिए व्यवहारिक कार्यक्रम बनाएं व इन्हें क्रियान्वित करें। एक आसान लक्ष्य तय करें, उसको उपलब्ध करें, चीजों को समझने की कोशिश करें, रटे नहीं तर्क वितर्क करें, नए अन्वेषित मार्ग के लिए तैयार रहें, मन को खुला रखें, चीजों को भिन्न नजरिए से देखें, कुछ समय सृजनात्मक लोगों के साथ बिताएं, कहानियां सुनाएं तथा अपनी प्रतिभा का विकास करें। इन सब के साथ मन को ध्यान के माध्यम से विश्रांत रखना सीखें। शांत स्थिर मन कल्पना शक्ति के विकास के लिए बहुत सहायक रहता है, बल्कि इसी संतुलित मनह स्थिति के गर्भ से कल्पनाओं की उड़ान अपने चरम की ओर बढ़ती है। महान वैज्ञानिक आइंस्टीन के शब्दों में कल्पना ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि ज्ञान सीमित है जबकि कल्पना के दायरे में तो पूरा विश्व है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा कि कल्पना सृजनात्मकता का शुभारंभ है। आप जिसकी चाह रखते हैं उसकी कल्पना करते हैं, जिसकी आप कल्पना करते हैं उसकी इच्छा करते हैं और अंततः जिसकी आप इच्छा करते हैं उसका आप सृजन करते हैं। वस्तुतः कल्पना आत्मा की आँख है। इससे आप जीवन के उज्ज्वल सुनहरे तथा विशाल स्वप्न को देखते हैं। उसी के अनुरूप आपके जीवन में भव्य, दिव्य एवं विराट सृष्टि का सृजन होता है और जीवन धन्यता की ओर अग्रसर होता है।